सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना मेट्रो के ऊपर ही है। यहाँ आज हम जाएंगे येलो लाइन मेट्रो। अभी मैं हूँ हुदा सिटी सेंटर। ये जो मेट्रो है, जो येलो लाइन है, ये जाती है हुदा सिटी सेंटर टू समयपुर बैटली। तो इसका जो जो गाइडेड टूर है, मतलब कि जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी मैं हुदा सिटी सेंटर पे हूँ, अभी मेट्रो स्टेशन पे हूँ। ये देख रहे हो बाहर का एरिया है कुछ। तो आज का जो वीडियो है ना, इसके ऊपर ही वीडियो आएगी, मैंने प्रॉमिस किया था। तो देखेंगे आगे चल के। अभी तो हुदा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ। हुदा सिटी सेंटर जो है गुड़गांव मेट्रो है, मतलब ये जो मेट्रो है गुड़गांव आती है सीधा हुदा सिटी सेंटर। चलेंगे, चल के एक्सपीरियंस लेंगे। ये है कुछ सीन बाहर का नज़ारा यहाँ का। यहाँ से जाना पड़ेगा एंट्री के लिए। तो चलेंगे, अब चल के देखते हैं। यहाँ मैप लगी हुई है बाहर, मैप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये हुदा सिटी सेंटर है। यहाँ से जाएंगे समयपुर बैटली। ये जो येलो लाइन है पूरा जा रही है, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। वो अभी यहाँ से आगे काउंटर है, टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले सकते हो। अगर स्मार्ट कार्ड है तो बहुत बेटर ऑप्शन है आपके पास। तो आप चलेंगे, चल के देखते हैं। यहाँ से चेकिंग है, चेकिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, मेरे पास अगर बैलेंस है क्या, देखेंगे चेक करके बैलेंस है स्मार्ट कार्ड में या नहीं है, देखेंगे पहले। मेरे पास अभी 84 रुपीज़ बला हुआ है करंट बैलेंस, ठीक है। मैक्सिमम आप इतना तक रिचार्ज कर सकते हो। मास्क पहनना मैंडेटरी है, मास्क पहन के चलिएगा, ठीक है। जो भी है दिखा देंगे आप, मास्क पहनना मैंडेटरी है। सो गाइस, फाइनली आपको हुदा सिटी सेंटर से अगर समयपुर बैटली तक जाना है तो आपको आना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, देख सकते हो ऐसा स्टेशन है। वेट करेंगे, वेट करके देखते हैं। ओ गाइस, कुछ ये सीन है मेट्रो के अंदर। तो ये देखते हैं, आपको बता देता हूँ। ये जाएगी, अभी हम हैं यहाँ पे हुदा सिटी सेंटर। यहाँ से जाएगी समयपुर बैटली तक, ठीक है। यहाँ तक जाएगी रेड लाइन जहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं इसका चेंजिंग का बता देता हूँ, आप यहाँ से सिकंदरपुर से चेंज कर सकते हैं रिपीट मेट्रो लाइन। ये गुड़गांव मेट्रो है, ठीक है, और ख़ास खास से मैजेंटा लाइन, वन ऑफ द माई फेवरेट लाइन। और इसका जो है दिल्ली हट से पिंक लाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सेंटर सेक्रेटेरिया वायलेट लाइन चेंज कर सकते हो। राजीव चौक ब्लू लाइन, न्यू दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका जो है कश्मीरी गेट से रेड लाइन और वायलेट लाइन चेंज कर सकते हो। और आज़ादपुर से पिंक लाइन चेंज कर सकते हो। और बाकी का ये सीन है इसका। तो टोटल मैं बताता हूँ, 37 स्टेशन कवर करेगी टोटल है इसका। लाइन लेंथ जो है 49.02 किलोमीटर है। इसको स्टार्ट किया गया 20 दिसंबर 2004 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हे गाइस, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा था। यहाँ एक चीज़ आपको मेंशन किया होगा, आप कहीं भी मेट्रो किसी भी कोच में हो, ये जो सीट होती है यहाँ ऊपर से लिखा होता है फॉर लेडीज़, और ये रिज़र्व होती है, ठीक है। अगर कोई लेडीज़ आपसे पूछ रहे हैं जगह के लिए, प्लीज़ उसको दे देना, क्योंकि ये जो है रिज़र्व होती है। और इधर की साइड जो कि सामने, बिल्कुल सामने की जो साइड होगी, इसमें फॉर सीनियर सिटीज़न लिखा होगा या डिफरेंटली एबल पर्सन लिखा होगा, डिसेबिलिटी मतलब कि जिनमें कमियां हैं या जो बड़े लोग हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीज़न के लिए। अगर कोई पूछे तो आप प्लीज़ उनको दे देना सीट, ठीक है, हट जाना आप वहाँ से, क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो की अगेंस्ट है। और बाकी का जो दिल्ली मेट्रो है वो ऐसा ही सीन है कुछ। अभी तो बिल्कुल खाली हो चुका है। This station is
गाइस मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली मेट्रो से जा रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है आपको, विश्वविद्यालय उतर सकते हो, ठीक है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की नियर बाय स्टेशन है, ठीक है। तो ये था कुछ सीन, अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे चलेंगे, अभी 8-9 स्टेशन और हैं, देखते हैं। अभी विश्वविद्यालय पहुँच चुके हैं, अभी इधर का सीन है कुछ, देख सकते हो। सो गाइस फाइनली तो आ चुके हैं, 2 स्टॉप है और अभी ये जहांगीरपुरी स्टॉप है, और इससे चलने लग रहे हैं। अब देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है मेरे पीछे, पूरा मेट्रो खाली हो चुका है। बीच में मैं शूट नहीं कर पाया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि भीड़ बहुत था। तो अभी तो खाली हो चुका है, तो बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ये जो मेट्रो लाइन है अंडरग्राउंड एलिवेटेड है, जो मेट्रो लाइन ये है येलो लाइन अंडरग्राउंड एलिवेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया वो भी अंडरग्राउंड एलिवेटेड है, जो वायलेट लाइन था मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इट्स अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड उसको भी देखना प्लीज़। एंड सीरीज में वीडियो आएगी मैं दिल्ली मेट्रो के ऊपर, जो आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रैवल करने में, जो लाइन जहाँ जाती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो है येलो लाइन के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो अभी 2 स्टॉप और है, उसको निकलने के बाद मैं आपको बाहर से व्यू दिखाऊँगा उसका, कहाँ तक जाती है। और अब रही बात इस चीज़ की कि अगले वीडियो कब आएगी, तो बहुत जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, रिसर्च करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद जाके वीडियो बनाता हूँ मैं हर कोई चीज़। सब्सक्राइब करो यार, नया है तो सन चैनल को यार सपोर्ट करो प्लीज़, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी बात कर रहा हूँ, और इसका जो फेयर है ना खुदे सिटी सेंटर से लेके, इसका जो फेयर है 60 रुपीज़ की फेयर है टोटल वहाँ से यहाँ तक। और जो बाकी रही बात इस चीज़ की, तो देख सकते हो आप पूरा खाली हो चुका है मेट्रो, सीट में कोई भी नहीं है मेरे आसपास, बहुत ऐसे ही कम देखने को मिलता है। बीच में से जो मैंने इंटरचेंज बताई थी, मजेंटा लाइन, येलो लाइन, पिंक लाइन, और उसमें से बहुत क्राउड था, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस कुछ रूल ऐसा है दिल्ली मेट्रो में, कहीं पर भी मतलब कि कहीं भी कैमरा के सामने आप शूट नहीं कर सकते, जो दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी कैमरा है उनके सामने शूट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, वो मना करते हैं, ठीक है। अगर शूट भी कर रहे हो तो अपने हिसाब से करो, क्योंकि लोग कंप्लेन करते हैं, ठीक है, ये बात है। तो ये मैंने आपको बताई, और अभी चलते हैं, और 2 स्टॉप ए और एक स्टॉप है, देखते हैं उसको। कुछ मेट्रो स्टेशन में ऐसे बात करने को नहीं मिलता यार, देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है। सो फाइनली गाइस समयपुर बैठली आ चुके हैं, ये जो स्टेशन है ना रोहिणी को कनेक्ट करते हैं, ये रोहिणी है, ठीक है, इसके पीछे वाला स्टेशन रोहिणी सेक्टर 18 और 19 के बीच में जुड़ा हुआ है। बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के देखते हैं। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं समयपुर बैटली मेट्रो स्टेशन, ऊपर से भी लिखा हुआ है देखो। ठीक है अब बाहर चल रहे हैं, बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं जो भी सीन। ये है बाहर का कुछ सीन समयपुर बैटली मेट्रो स्टेशन का, ये रिक्शा वगैरह है, मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मैं तो वाली वीडियो शूट करने आया था उस स्टेशन से इस स्टेशन पर, चलेंगे चल के देखते हैं अभी आगे थोड़ा। तो मेरे पीछे जूस के सेंटर पे एक जूस शॉप है, यहाँ से देख सो मेरे पीछे देख सकते हो इसका स्टेशन का नाम। तो इस वीडियो के एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।